माँ ने सारी ज्वेलरी भी ले ली। सोचा था उमंग से बात कर कोई रास्ता तो निकल आएगा, और ये उमंग फोन भी नहीं उठा रहा। एक बार और ट्राई करती हूँ। फोन तो टूट गया, अब मैं क्या करूं? उमंग से बात तो करनी ही है। जिगर के पापा, पता है आपको आज खाना राशि ने बनाया है। शुरू करो। राशि, जमवा मां तो मोटा भाभी के हाथ का स्वाद है। बस अब कागड़ी ने चोंच खोली, अब ये बोलेगी कि मैंने मम्मी जी से हेल्प ली है ना मोटा भाभी। हाँ, राशि मुझसे फटाफट खाना बनाना सीख रही है। थैंक यू मम्मी जी। माँ, अगर आपको अपने स्टूडेंट को मार्क्स दिलवाने हो तो कितने दिलवाएंगे? अगर मार्क्स तुम दे रहे हो तो मैं जानती हूँ कि तुम 100 में से 100 ही दोगे। राशि, खाना बहुत अच्छा बना है। मनी बेन? हाँ। मनी बेन, आपको तो बुखार है। छोड़िए, रसोड़ा मैं साफ कर दूंगी, आप जाइए। नहीं गोपी भाभी, मैं कर लूंगी। मनी बेन आप जाइए, मैं संभालूंगी ना, आप जाके आराम कीजिए। नहीं, वो नानी भाभी। मनी बेन जाइए आप। गोपी बहू, तुम ये क्यों कर रही हो? मणि कहाँ है? मणि बहन की तबीयत खराब है ना, इसीलिए मैंने उनसे आराम करने को कहा। आप फिक्र मत कीजिए माँ जी, ये सब मैं कर दूंगी। क्यों, तुम क्यों करोगी? राशि कहाँ है? जाओ यहां से। माँ जी वो, मैंने कहा ना गोपी बहू, तुम जाओ यहां से। बस अब ये बर्तन सिंक में पटक के मैं तो चली सोने। कहाँ जा रही हो? सोने? रसोड़े की हालत देखिए, जूठे बर्तन। काकी जी आप चिंता मत कीजिए, मैं बस अभी मणि को बुला। मणि को
बुखार है। हाथ हटाओ, हटाओ। चाबी का गुच्छा, यानी घर की सारी जिम्मेदारी तुम्हारे हाथों में है, तो तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि मणि को बुखार है। अब क्या करें? कौन करेगा झूठे बर्तन साफ? कल, अब कल सुबह देख ले। कल क्यों? घर की सारी जिम्मेदारियों में घर के लोगों की सेहत भी शामिल है, और घर के लोगों की सेहत तब ठीक रहेगी जब रसोड़ा साफ सुथरा हो, बराबर ने? ऐसे झूठे बर्तन अगर रात भर रहे ना रसोड़े में, तो तिल चट्टों की दावत हो जाएगी, और हमारे खाने के बर्तनों की हालत क्या होगी? अब क्या कर रहे राशि? वैसे हम गोपी को भी क्यों सकते? मेरी समझ में नहीं आती एक बात, तुम्हारी जबान पर सिर्फ दो नाम क्यों रहते हैं हमेशा? या तो मेरी गोपी वो, या फिर तुम्हारी माँ। गोपी वो माँ, गोपी माँ, क्यों? तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि मैं जब सोने जाती हूं तो मेरी गोपी वो मेरे पैर दबाती है, तो फिर अब बच्चा कौन? मोटा भाभी, मोटा भाभी। नहीं नहीं मम्मी जी, नहीं नहीं ना, तो फिर मैं बच्ची। चलो मैं ही कर लेती हूँ। नहीं काकी जी, अब हाँ आप जाके आराम कीजिए, मैं कर लूंगी। कर लोगी जी? शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। भगवान, इतने सारे बर्तन और मैं अकेली। ओहदा मतलब जिम्मेदारी, और जिम्मेदारी में आता है घर और घर वालों की देखरेख, और सबसे ऊपर तो ये रसोड़ा, रसोड़े में खाना बनाना, क्या है क्या नहीं, ये सब देखना। सिर्फ ये नहीं कहा था कि बर्तन भी घिसने पड़ेंगे, अब तो वो भी करवा लिया। मेरी नेल पेंट, मेरी नेल पेंट तो गई खड्डे में। लगता है मेरी रात यही कटने वाली है। मम्मी तो अपने आप को बहुत बड़ी कलाकार समझती है ना, लेकिन ये कागड़ी तो सबकी पड़दादी निकली। आइए आइए महारानी जी, आप ही का इंतजार हो रहा था। गोपी, ये सब तेरे वजह से हो रहा है। तू यहाँ मुझे चूहेदानी में फंसा गई, और खुद तो पूरे घर में घूमती फिरती है। राशि बहन, मैं तो सिर्फ माजी के लिए पानी लेने आई थी। चुप, मैं कुछ नहीं जानती। तू आओ और ये बर्तन घिस, ये मेरी जिम्मेदारी थोड़ी ना है। और मुझे तो रसोड़े का काम इसलिए दिया गया क्योंकि तुझसे कुछ नहीं होता, गलतियां पे गलतियां किए जाती है, लेकिन तेरी गलतियों की सजा मुझे भुगतनी पड़ती है। माय गॉड, जब तक तू मनुष्य इस घर में टिकी रहेगी ना, तब तक इस घर में कोई खुश नहीं होगा। ये सब तेरा किया धरा है। ना तू अहम जी को नाराज करती, और ना तुझे ये सारे काम धाम से अलग किया जाता, और ना ही मैं यहां फंस जाती। गोपी, मैं कुछ नहीं जानती, तू चल, तू मेरी मदद कर, जा।
गोपी वाऊ, पानी कुएं में से खींच रही हो क्या? जल्दी आओ। राशि बहन, मुझे माफ कीजिए। नहीं, सुन सुन, ये कागड़ी सब जानबूझ के कर रही है, ना खुद मदद करती है और ना गोपी को घर नहीं देती है। हे भगवान, ये तो टूट गया, अब इसे भी साफ करना पड़ेगा। ये कहीं कागड़ी ने देख लिया तो मेरी बैंड बजाएगी।